सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इनटू अनदर गेम प्ले ऑन साइको बॉय जॉन्स। और माइनक्राफ्ट का ये सेकेंड एपिसोड है। तो हाँ, मैंने ऑफलाइन में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं ये घर के साथ। लाइक तुम लोग देख सकते हो, ऊपर की तरफ मैंने सीलिंग थोड़ा अलग कर दिया है और बाहर भी मैंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए थे। लाइक मैंने एक पूरी इवनिंग माइनिंग करते हुए बिताई है, एटलीस्ट 10 से 11 घंटे। तो तुम लोगों को मैंने क्या चेंजेस किए हैं वो एक टॉप एंगल से दिखा देते हैं। एक सेकेंड, स्टोन कहाँ गया? ओके, यहाँ पे लगाएंगे हम स्टोन और ये हम जा रहे हैं ऊपर। ओके, सो हाँ, मैंने ये जगह कुछ इस तरह से बना दी है अभी के लिए। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक चिकन फार्म, और मेरे को एक शिप फार्म भी बनाना है बिकॉज मैं बार बार मरता रहता हूँ, तो मेरे को स्लीपिंग बेड की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही रहती है। वैसे कल जो मैंने चेंजेस किए थे उसके बाद फार्म में एक जगह पे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा बिकॉज वहाँ का वाटर सप्लाई कट गया है। ओके, सो फार्म का काम हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। वैसे नाइट में ये जगह ओपी दिखती है, बट मेरे को अभी सोना पड़ेगा उससे पहले कि ज़ॉम्बीज आके मेरा काम तमाम कर दे। वैसे हाँ, मेरे को बाद में थोड़ी बहुत डर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ से थोड़ी बहुत डर्ट भी जमा कर लेते हैं। वैसे ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही जानी पहचानी सी है, बट डोंट वरी गाइस, इन लोगों को मारने का बंदोबस्त है। मैंने काफ़ी सारा आयरन फार्म किया है और काफ़ी सारा पिघला के भी रखा है। तो रुक जाओ, हम लोग आयरन की चीज़ें बना के जाके पहले इनका काम तमाम करते हैं। सुबह यहाँ पे हमारी आयरन की चीज़ें बन चुकी है, अब ये सब इक्विप करके पहले बाहर जाके उन लोगों को मार के आते हैं उससे पहले कि वो लोग यहाँ पे कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करें। सो ये सब इक्विप्ड हो चुका है, नाउ लेट्स गो आउटसाइड। वैसे ये महाशय अंदर कैसे आए? मैंने इसीलिए तो इतनी बड़ी स्टोन वॉल्स बनाई थी फार्म के आसपास कि ऊपर से कोई अंदर ना गिरे, फिर भी तुम अंदर घुसे। तुम्हारी तो खैर नहीं, आज तुम मरोगे। हाँ, ये शील्ड है मेरे पास, तुम्हारे लिए ही है ये शील्ड स्पेशली। मार ले, अब मैं मरूंगा, मर जा। वैसे मेरे फार्म में काफी नुकसान। भाई तुम भी अंदर घुस गए? नहीं, मतलब मेरा फार्म है, अब मेरे को क्या बाहर बोर्ड मारना पड़ेगा अनऑथराइज पर्सन कैन नॉट कम इनसाइड। कर ले फायर, अब मेरी बारी, मर जा। अरे मर भी जा, मेरे पूरे फार्म की तो वाट लग गई गाइस। इसको मार के मेरे को फार्म सही करना पड़ेगा। ओके, इसको भी मार लिया, हमको मिला है एक फ्लैग जैसा कुछ, और फार्म की तो लंका लग गई है। और रुक जाओ, पहले मैं घर जाके आता हूँ, फिर फार्म सही करना पड़ेगा। वैसे तुम लोगों को तो मालूम है ना गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये फार्म सही किया था और देखो पूरे फार्म की क्या हालत हो गई है। ये सब मेरे को सही करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, सीड्स आ गए और शॉवल भी आ गया, नाइस। ओके, सो फाइनली काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद ये फार्म मैंने सही कर लिया। मैं सोच रहा हूँ ये वॉल्स को थोड़ी सी और हाइट पे कर लूँ, लाइक और कोई अंदर ना आए। एक एक्सपीरियंस काफ़ी है क्योंकि बार बार ये फार्म सही करने में बहुत टाइम जाएगा। ये हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और ये सभी जगह पे स्टोन्स लगा देते हैं। ओके, स्टोन कहाँ गए? ओके नाइस, तो ये स्टोन लगाने का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ओके, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी लगाओ स्टोन। और कहीं से तो नहीं कूद सकता ना कोई अंदर? यहाँ से कूद सकते हैं। ओके हाँ, अब परफेक्ट है, अब कोई अंदर नहीं आ सकता है। वैसे फार्म दो दो बार सही करने के चक्कर में जो हमारा मेन काम था चिकन फार्म बनाने का वही रह गया। अभी मैं थोड़ी सी फैंस बना रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल हमारे घर के नीचे ही हम एक चिकन फार्म बनाने वाले हैं। ओके, सो ये हम लोग आ चुके हैं हमारे घर के नीचे, और यहाँ से हम लोग घर के नीचे जो पिलर्स है ना वहाँ चारों तरफ फैंस लगाएंगे। वैसे ये टॉर्च है, मेरे को हटानी पड़ेगी आई थिंक। ओके चलो हटा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि कोल लगता है उसको बनाने में, और कोल भी यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है मेरे को। ओके, तो हम लोग बेस के नीचे पूरी चारों तरफ इसी तरह से फेंसिंग लगा देंगे सबसे पहले, और यहाँ घर के सीढ़ियों के बिल्कुल बगल में लगेगा चिकन फार्म का गेट, और यहाँ पे मेरे को एक ब्लॉक तक ये जगह पूरी अंदर ले लेनी है।
तो थोड़ी सी खुदाई भी कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे वेट अ सेकेंड गाइस, मैंने ये तरफ फेंस नहीं लगाई है क्या? एक सेकेंड, हाँ मैंने ये तरफ फेंस नहीं लगाई है, लॉल। ओके कोई ना, पहले खुदाई का काम ख़त्म करते हैं फिर वहाँ पे फेंस लगाते हैं। आई थिंक हमारे पास वुड भी ख़त्म है, तो वहाँ के लिए थोड़ी सी फेंस बनाने के लिए हमको बाद में वुड लेने भी जाना पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पे हमारा खुदाई का काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये तरफ हमारे पास जितनी फैंस बची है उतनी तो लगा लेते हैं कम से कम, बाद में बाकी की फैंस अगर बाकी रह जाती है बनानी तो। मेरे को वैसे डोर के लिए भी वुड तो मेरे लाना ही पड़ेगा, मेरे को जाना ही पड़ेगा फॉरेस्ट, कोई चारा नहीं है मेरे पास। और आई थिंक हो जाएगा काम, नहीं थोड़े के लिए अटका। तो कोई ना गाइस, हम लोग थोड़ा वुड लेके आते हैं फॉरेस्ट से, फिर ये काम कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग फाइनली फॉरेस्ट में आ चुके हैं थोड़े बहुत वुड काट के ले जाने के लिए, उसके बाद हम लोग वो फेंसिंग का काम कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे वेट अ सेकेंड गाइस, ये पांडा वही है ना जो उस दिन हमको काट रहा था? आज मेरे पास सॉर्ड है, वो भी आयरन की, तेरी खैर नहीं। वैसे पांडा को मार के कुछ मिला नहीं यार, ऐसे ही बेचारे को मार दिया मैंने बेवजह। वैसे जितनी भी जगह पे ये डिफरेंट कलर के ब्रिक्स दिखेगी ना तुमको, वो सारी जगह से मैं माइनिंग करके आया हूँ। ओके तो मैं फैंस बना के ले आया हूँ, अब यहाँ पे जो बची खुची जगह है वहाँ पे फैंस लगा के ये काम ख़त्म हुआ। बस अब यहाँ पे ये दो डोर लगा के ये चिकन फार्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बस चिकन फार्म में चिकन लाना है हमको, तो चिकन लाने के लिए हम वो जो एक ट्रेडर नहीं आता है, दो हॉर्स अपने साथ लेके आता है, उसको मार के मैंने उससे बस ये एक रोप पाई थी। बस यही एक इकलौती रोप है मेरे पास, इससे ही मेरे को यहाँ रेंगते हुए सारे चिकन को पकड़ पकड़ के लाना है। वैसे सारे तो नहीं गाइस, मेरे को खाली बस दो ही चिकन की ज़रूरत है, बस बाकी तो ब्रीडिंग होके काम हो जाएगा उनका। तो यहाँ पर फाइनली हम हमारे पहले चिकन को ले कर सक्सेसफुली चिकन फार्म तक ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। हाँ तो ओके, ये पहला चिकन हमारे चिकन फार्म में आ चुका है, और मेरी क्या ही अच्छी वाले किस्मत या जो भी कह लो, बट ये जो एक अंडा इसने दिया था उसमें से एक और बच्चा निकल गया। बट बच्चे को तो मैं ब्रीड नहीं कर सकता ना, तो मेरे को एक चिकन और पकड़ के लाना पड़ेगा। पहले ये गेट बंद कर देते हैं कि ये बाहर ना भागे, और हम लोग जा रहे हैं वापस से एक और चिकन लाने। तो हाँ, ऐसे ही रोप से पकड़ पकड़ के ला ला के हमने चार एक चिकन चिकन फार्म में जमा कर दिए, बस बाकी के तो हम सीड डाल के इनको ब्रीड कर लेंगे। और हाँ, वैसे ये एक छोटा सा बंदोबस्त हमने चिकन फार्म में रोशनी रहे उसके लिए कर दिया है, इनको थोड़े बहुत सीड्स भी खिला दिए तो इनकी ब्रीडिंग चलती रहेगी गाइस। वैसे रास्ते में जो जो चीज़ें मैंने कभी कभी मारी थी वो सबसे जो मीट वगैरह जमा हुआ है उसको मैं पका लेता हूँ। और हाँ, जो बचा खुचा रॉ आयरन है जिसको मैंने अभी तक पिघलाया नहीं है उसको भी यहाँ पिघलाने के लिए डाल के जाते हैं, तो वो हम लोग जब रिटर्न आएंगे तब तक पिघल जाएगा। ओके सो जो खाना पक चुका है उसको निकाल लेते हैं, उसकी जगह दूसरा चिकन पकने के लिए रख के जाते हैं। वैसे जिस तरफ अभी मैं शिप लेने जा रहा हूँ ना, मतलब जहाँ से मैं शिप पकड़ के लाने वाला हूँ, वो तरफ मैंने एक जगह पे मैग्मा रिसोर्स भी देखा है, बिकॉज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ पहले भी माइनिंग करने के लिए। तो हाँ, वो तरफ से मैं सोच रहा हूँ कि दो बकेट मैग्मा भी लेके आ जाऊँगा, तो अनलिमिटेड मैग्मा रिसोर्स भी हो जाएगा मेरे पास। तो वो मैग्मा का यूज़ करके मैं बाद में नेदर ब्रिक बनाऊँगा, और वो नेदर ब्रिक से मैं लाइक इन फ्यूचर नेदर पोर्टल भी बना पाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये शिप को पकड़ते हैं रोप से और इसको खींच के घर तरफ ले जाते हैं। मैग्मा भी मैं ले जा सकता हूँ, एक सेकेंड, मेरे को ये शिप छोड़ के पहले मैग्मा का कुछ करना पड़ेगा। ये एक बकेट आ गया इन्वेंटरी में, ये वाटर बकेट मेरे को कहीं खाली करना पड़ेगा। ओके सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे दो बकेट मैग्मा हो चुका है, जो कि काफ़ी अनलिमिटेड मैग्मा रिसोर्स बनाने के लिए। तो हाँ, फाइनली अब हम ये शिप को लेके हमारे घर की तरफ निकलते हैं। वैसे मैं जाते जाते घास इसलिए तोड़ रहा हूँ ताकि मुर्गियों के लिए खिलाने के लिए सीड का भी बंदोबस्त हो जाए मेरे पास। वैसे रोप से ये शिप को पकड़ के ले जाने वाला आइडिया काफ़ी बोरिंग था, क्योंकि रोप बार बार टूट जा रही थी। तो अभी मैं ये शिप को घास दिखा के, घास की लालच दे के बेस की तरफ ले जा रहा हूँ। फाइनली मैंने ये शिप को जैसे तैसे करके घर पे पहुंचा दिया। अभी मैंने इसको घर के अंदर ही रखा है, बिकॉज बाहर अभी तक मैंने फार्म बनाया नहीं है इनके लिए। वहाँ पे एक और ब्लैक शिप था, तो मैं उसको भी लेके आ जाता हूँ।
सो हाँ, ये ब्लैक शिप को भी मैं सेम तरीके से घास दिखाते दिखाते ले जा रहा हूँ बेस की तरफ। और हाँ, फाइनली मैं ये ब्लैक शिप को भी बेस के अंदर लेके आ चुका हूँ। वैसे मैंने स्टार्टिंग में, याद हो तुम लोगों को, तो तुमसे मैंने कहा था कि मेरे को बाद में डर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, वो डर्ट इसके लिए थी। अब बस ये डर्ट का ही यूज़ करके मैं यहाँ पे एक शिप फार्म बनाने वाला हूँ। और मेरे को वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी, बिकॉज पानी के ऊपर ही मैं डर्ट लगा रहा हूँ, तो हाँ उस पर डायरेक्टली मैं कुछ भी लगा सकता हूँ इनके खाने के लिए। सो गाइस, फाइनली डर्ट और स्टोन का यूज़ करके मैंने ये जगह को कुछ इस तरह से बना दिया है। देखो साइड पे कितना लंबा खींच लिया है मैंने ये जगह को। अब हाँ, ये जो कॉर्नर बन रहा है ना, वहीं पे मैं एक स्टोन की बाउंड्री बना के उस पे फेंस लगाऊंगा। ओके, सो यहाँ से मेरे को स्टोन की एक फाइनल लाइन खींचनी है यहाँ से वहाँ तक की, और फिर उसके ऊपर मेरे को फेंसिंग लगानी है। ये हो गई स्टोन की लाइन कंप्लीट। बस अब मेरे को यहाँ से कुछ इस तरह से फैंस लगानी है, और जो मैंने बाउंड्री बनाई है ना स्टोन की, उसके चारों तरफ इस तरह से मेरे को फैंस लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारा फैंस बनाने का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। यहाँ पे दो स्टोन लगेंगे, यहाँ पे दो स्टोन और लगेंगे, और हाँ बस यहाँ पे थोड़ी सी फैंस, और फिर बस यहाँ सेंटर में हमें बस दो गेट लगाने हैं। ये लग गया पहला, ये दूसरा, और ये शिप फार्म हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं थोड़े से सीड्स, ताकि शिप के फूड का बंदोबस्त उसी के फार्म के अंदर रहे। और फिर ये हम पहले शिप को फार्म के अंदर पकड़ के ले आ चुके हैं, अब जाके दूसरे शिप को भी लेके आ जाते हैं। वेट अ सेकेंड, डोर ओपन। वैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं है गाइज, एक ब्लैक और एक वाइट शिप की ब्रीडिंग करके मेरे को कौन से कलर का शिप मिलने वाला है, बट तीन कलर के एक ही शिप नहीं हुए मेरे पास, तो मेरी मेहनत बेकार ही जाएगी। बिकॉज बैड बनाने के लिए एटलीस्ट तीन शिप तो मेरे को चाहिए सेम कलर के। ओके, ये भी अंदर आ चुका है। सो हाँ, अब मेरे को लगानी है ये फार्म के ऊपर लाइटिंग, तो अब बस हमें यहाँ पे लगानी है थोड़ी बहुत टॉर्च। ये दो टॉर्च नीचे लग गई, और बस अब फेंस के चारों तरफ ऊपर मेरे को टॉर्च लगानी है। उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक स्टोन लगाएंगे। बस ये स्टोन से ऊपर चढ़ गए, यहाँ से ऊपर चढ़ गए, बस अब टॉर्च लगाने का काम यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। टॉर्च हाथ में ले ली जाए, और बस इसी तरह से मेरे को पूरी फेंस के ऊपर टॉर्च लगा देनी है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा टॉर्च लगाने का काम ख़त्म हो गया। अब ये स्टोन को यहाँ से तोड़ के निकाल लेना है मेरे को बस। ओके, सो अभी हम लोग जाने से पहले एक लास्ट काम कर लेते हैं। जितनी भी टॉर्च बची है ना, उसको इधर उधर लगा देते हैं, ताकि जगह पे रोशनी रहेगी तो ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होंगे। वैसे ये गेम प्ले बनाने में मेरे को 2.5 घंटे जितना टाइम लगा था। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, और मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग नेक्स्ट वीडियो पे क्या क्राफ्ट करते हुए मुझे देखना चाहते हो। और हाँ, एक चीज़ और, वो चीज़ क्राफ्ट कैसे करते हो वो भी मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है माइनक्राफ्ट का। सो हाँ, यहाँ पे हमारा क्राफ्टिंग सेशन ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही था। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।